नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से रात और दिन में बहुत फर्क है, जिस प्रकार से पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में बहुत फर्क है, उसी प्रकार दोस्तों वर्तमान में चाइना और भारत का जो रणनीति है, चीन भारत का सोच है, वो बिल्कुल ही अलग है। भारत कुछ सोचता है, चीन कुछ सोचता है, यानी कि चीन चलता है डाल डाल तो भारत चलता है पात पात। कह सकते हैं कि दोनों का अपना ही एक अलग एजेंडा है, दोनों अपना ही एक अलग नियम का पालन करता है, दोनों का अपना अपना सपना है। चीन बोलता है कि एशिया का महाशक्ति हम है, भारत बोलता है कि नहीं, तुम्हें हम पछाड़ के नंबर वन हम बनेंगे 2025 तक। दोस्तों समस्या यहाँ पे है, लेकिन बड़ी बात तो यह है पूरा दुनिया हैरान हो गया है 195 देश के सामने में। दोस्तों 195 देश के सामने में भारत और चाइना दोनों एक साथ आ गया। कह सकते हैं कि भारत को चीन ने आगे किया और भारत चीन का एक ही प्रस्ताव था और दोनों मिल के 195 देश के सामने में ये प्रस्ताव रखा और दोस्तों ये प्रस्ताव को पास भी करवा दिया। कह सकते हैं कि भारत के प्रस्ताव को चीन ने 100% समर्थन दिया और दोनों दोस्तों दोनों ने बातचीत किया, ठीक है, ऐसे नहीं कि अपने मन से वो समर्थन दे दिए, दोनों ने आपस में बातचीत किया और दोनों ने बताया कि किस प्रकार से ये प्रस्ताव पास होगा और किस प्रकार से भारत चीन इस समय इस अलग मुकाम पे जीत सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक कि अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, यहाँ तक कि रशिया, किसी को यकीन हो रहा है कि आखिरकार ये चाइना भारत एक साथ मिलके ऐसा कर सकता है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, आपको भी सुन के आश्चर्य होगा आखिरकार ये चल क्या रहा है भाई। एक तरफ जहाँ सीमा पे दोनों आमने सामने में सेना तैनात किया हुआ है, मिसाइलें तैनात किया हुआ है, दोनों हर दिन कोई ना कोई बयान मारता है कि युद्ध होगा तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, चाइना पाकिस्तान के साथ दे रहा है, भारत अमेरिका जापान के साथ दे रहा है, यानी कि दोनों तरफ से आज युद्ध का भयानक माहौल बन रहा है। और इस समय में आखिरकार भारत चीन ने किया क्या है, दोस्तों मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। आप लोग जानते हैं हाल ही में ग्लासगो स्कॉटलैंड में दोस्तों यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा मीटिंग हुआ। दोस्तों 195 देश वहां पे उपस्थित था और बड़ी बात तो यह है सबके सामने में यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा, यानी कह सकते हैं कि यह प्रस्ताव सीधा अमेरिका का था, पूरे यूरोप का था, इतना ही नहीं इस प्रस्ताव का दोस्तों रशिया भी था, कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम देश था, लेकिन इस प्रस्ताव को केवल दो देश ने दोस्तों रद्द करवा दिया और अलग ही प्रस्ताव पास करवा दिया। आप बोलेंगे प्रस्ताव क्या था, आप लोग जानते हैं दोस्तों दुनिया में आज जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ रहा है और धरती का जो तापमान है दिन प्रतिदिन दोस्तों वो बढ़ रहा है, अगर इसी तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहे तो देखेंगे आने वाले 100 बाद 200 बाद इंसान को जीना हराम हो जाएगा, इंसान को दोस्तों बहुत नुकसान होगा, कह सकते हैं कि धरती रहने लायक नहीं बच पाएगा, इसीलिए अभी से ही धरती को बचाने का अभियान शुरू हो चुका है। और इस प्रस्ताव में अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रशिया सब बोला था देखो भाई अब हम एक काम करते हैं, दुनिया में चाहे जो भी देश हो सब देश को अब कोयला को पूरी तरह से बैन करना होगा, यानी कि कोयला से ना तो वो स्टील प्लांट चलाएगा ना ही वो कोयला से बिजली बनाएगा, कुछ नहीं करेगा, कोयला को पूरी तरह से बैन कर दो और जो भी देश कोयला चलाते हुए पकड़ा गया उस पर बहुत भारी भरकम प्रतिबंध लगेगा। आप बोलेंगे तो इसमें बड़ी बात क्या है, दोस्तों बड़ी बात है अमेरिका, यूरोप, जापान सब आज क्या है सब विकसित हो चुका है, ठीक है, उसके पास दोस्तों तरह तरह का टेक्नोलॉजी है, कई सारे देश दोस्तों वहाँ पे सोलर एनर्जी यूज कर रहा है, कई सारे देश यहाँ पे खासतौर पे न्यूक्लियर थर्मल, जानते हैं दोस्तों न्यूक्लियर थर्मल से दोस्तों बिजली उत्पन्न कर रहा है, कह सकते हैं कि यूरेनियम से बिजली बना रहा है, कह सकते हैं दोस्तों दुनिया के विकसित देश तरह तरह से बिजली बना रहा है, लेकिन भारत और चीन आज भी विकास कर रहा है। और दोस्तों अगर इस समय कोयला पे प्रतिबंध लग जाए ना तो देखेंगे भारत और चीन का अर्थव्यवस्था बुरी तरह से औंधे मुख गिरेगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों ये तय है क्योंकि सब जानता है कि भारत को लगातार 20 साल चाहिए फ्री और चीन को भी लगातार 20 साल फ्री छोड़ना होगा, तभी जाके ये दोनों देश दुनिया का महाशक्ति बनने के कगार पे पहुंचेगा। दोस्तों रफ्तार दोनों पकड़ लिया है, इसीलिए कोयला जरूरी है, कोयला से ही भारत का एनर्जी उत्पादन होता है। दोस्तों आज भी भारत में 80% एनर्जी कहाँ से आता है, कोयला से आता है, और चीन में आज भी 55% एनर्जी कहाँ से आता है, कोयला से आता है। आप बोलेंगे भाई हम लोग पूरी तरह से कोयला पे डिपेंड है और चीन तो 55% है, चीन तो हमसे आगे है, दोस्तों चीन बेशक हमसे आगे है लेकिन चीन दोस्तों हमसे 5 से 6 गुना अधिक एनर्जी खपत करता है। तो सिंपल से बात करें चीन में हमसे अधिक कोयला का उपयोग होता है, हम लोग क्या दोस्तों
कम कोयला का खपत होता है, ठीक है। हाँ, हम लोग 80% उस पर निर्भर है। अब दोस्तों अब जानते हैं अगर ये अचानक से उस पर बैन लग जाए तो क्या होगा। दोनों का देश अर्थव्यवस्था तो चौपट होना तय है और चीन को इसीलिए डर था। चीन जानता था कि अगर ये प्रस्ताव हम लेंगे, दोस्तों प्रस्ताव ये था कि वर्तमान में फिलहाल कोयला पे कोई पाबंदी नहीं लगेगा, दुनिया के तमाम देश कोयला का उपयोग करो। हाँ, धीरे धीरे समय आते धीरे धीरे कोयला पे डिपेंड कम करते जाएंगे, यानी कि अभी भारत मान लीजिए 80% उपयोग कर रहा है तो आने वाले 5 साल बाद हो सकता है 60% पे आ जाए, हो सकता है 10 साल बाद 50% पे आ जाए, हो सकता है 15 साल बाद 40% पे आ जाए। ऐसे करते करते भारत 2050-60 तक पूरी तरह से कोयला पे निर्भरता खत्म कर देगा। चाइना भी दोस्तों वही चाह रहा था कि आने वाले समय में धीरे धीरे हम भी कोयला पर से निर्भरता खत्म कर देंगे, लेकिन दोस्तों चीन को यहाँ पर डर था कि प्रस्ताव अगर वो लाता है ना तो उसका प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि चीन का इमेज बुरी तरह से ख़राब है, सब उस पर गाली देता है और चीन को कोई मानेगा नहीं। दोस्तों चीन को डर था कि हम लाएंगे तो कुछ भी हो जाएगा, इसीलिए चीन ने खासतौर भारत से रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब हम दोनों का समस्या तो सेम है ना, एक काम कीजिए ये प्रस्ताव आप लेके जाइए, वैसे भी आपको अमेरिका यूरोप चाह ही रहा है तो 100% तय है कि आपको दुनिया कम से कम 100 से अधिक देश समर्थन दे देगा, बाकी जो गरीब गुरबा देश है अफ्रीकन कंट्री है उसे समर्थन हम दिलवा देंगे और हम खुद ही दे देंगे। और दोस्तों हुआ क्या, भारत ने प्रस्ताव रखा कि हाँ कोयला हम लोग उपयोग कम करेंगे लेकिन धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, अचानक से इसको कोई बैन नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग विकासशील देश है, हमारे यहाँ ना तो कोई बड़ा बड़ा थर्मल पावर है, नहीं हम लोग अभी पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे हम लोग डिपेंड हुए हैं, यानी कि भारत ने विकासशील देशों का समस्या रखा। और दोस्तों जैसे ही प्रस्ताव रखा ना, इस प्रस्ताव पे सबसे पहले तो दुनिया हैरान हो गया, क्योंकि तुरंत चाइना उसका समर्थन भी कर दिया और कई सारे देश से उसका समर्थन दिलवा दिया, दुनिया को लगा कि भारत और चाइना दोनों मिलकर ऐसा किया है। लेकिन दोस्तों जहाँ पे भारत और चीन एक साथ आ जाए ना, दुनिया को हार मानना ही पड़ता है। ये बात मोदी जी आज नहीं आज से 5 साल पहले कहा था कि आज भी भारत चीन अगर सचमुच में एकता बना ले, दोस्ती बना ले, बॉर्डर समस्या खत्म कर ले तो यूरोप का पावर एशिया में ला सकते हैं। तो इतना हम लोग ताकतवर है, लेकिन आप जानते हैं चीन कितना घमंडी देश, इसीलिए न तो दोनों मित्रता हो पाया है और न ही समस्या खत्म, इसीलिए दुनिया उसका फायदा उठाता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल भारत चीन एक साथ आया तो दुनिया को मानना ही पड़ा। अब क्या है, भारत चीन वर्तमान में कोयला उपयोग करेगा ही करेगा एनर्जी के लिए, हाँ धीरे धीरे कोयला पर से खासतौर निर्भरता खत्म करेगा 2040-50 के बाद। दोस्तों ऐसा अब प्रस्ताव पास हो चुका है, ठीक है, दुनिया के 195 देश उसका मोहर लगा चुका है, भारत का प्रस्ताव चीन ने साथ दे दिया है। आप बोलेंगे तो क्या चाइना और भारत यहाँ पे मिलके काम किया है? जी हाँ दोस्तों, चीन से जब पूछा गया ये बताइए आप दोनों तो विरोधी है, आप दोनों का तो सोच मिलता नहीं है, तो आखिरकार जलवायु परिवर्तन में आप लोगों का सोच कैसे मिल गया, आप लोग एक कैसे हो गए? दोस्तों चीन ने कहा कि बेशक हम लोग आज आपस में थोड़ा आमने सामने में है, लेकिन हम लोग का समस्या बिल्कुल ही सेम है। दोस्तों चीन ने यहाँ पे बोला है कि अगर आज कोयला का समस्या अगर हम लोग के यहाँ आ जाए, भारत चीन दोनों में आ जाए, तो दोनों का अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होगा, हम लोग चौपट हो जाएंगे, इसीलिए हम लोगों का एक होना ही हुआ, यानी कि जब जब भी कोई मुसीबत आएगा तो हम लोग एक हो जाएंगे, बाकी वैसे बॉर्डर पर लड़ते रहेंगे। दोस्तों चीन ने यह संदेश दिया है, जबकि उस मूर्ख को समझना चाहिए कि अगर सचमुच में झगड़ा भारत से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, भारत को अक्साई चीन सौंप दे, चीन बोले लो भाई अक्साई चीन ले लो और बॉर्डर पर समस्या खत्म कर लेगा, दोस्तों देखेंगे उसी दिन भारत चीन खूब उभरेगा, क्योंकि दोस्तों भारत के पास 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या, कितना 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, और चीन के पास भी 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या, कह सकते हैं कि दोनों अगर मिल जाए ना तो हम लोग आपस में व्यापार करेंगे ना, अमेरिका यूरोप का कोई काम ही नहीं। दोस्तों हम लोग खुद ही इतना कंजप्शन करेंगे ना, इतना बेचेंगे ना, उतना खरीदेंगे ना कि चाइना भारत मिलकर रात तो रात दोस्तों महाशक्ति बन सकता है, लेकिन क्या है चाइना का घमंड खा गया है।